अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम नेवी चिल्ड्रन स्कूल की रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं। ये जो स्कूल है ये न्यू दिल्ली में है और काफ़ी पुराना स्कूल है। 1965 में इसका फाउंडेशन हुआ था। हम ये देखेंगे कि आप इस स्कूल की जो वैकेंसी है आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट इन्होंने जारी किया है, लास्ट डेट कब है और क्या प्रोसेस है जिससे आप इन फॉर्म्स को सही से भरेंगे, अच्छे से भरेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा टोटल कैसे आप उस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं मैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। तो आपको गूगल पे सर्च करना है इंडियन नेवी स्कूल, तो आप इस पेज पर आएंगे। यहां पे या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं डायरेक्टली, या फिर यहां पे आप देख सकेंगे वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक PDF ओपन होगा जिसमें लिखा है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। ये फॉर दी एकेडमिक ईयर 24 एंड 25 है, तो एकदम लेटेस्ट वैकेंसी आउट किया है इस स्कूल ने और टीचिंग पोजीशंस के लिए। लेकिन ये भी है कि ये जो जितने भी फॉर्म्स ये ले रहे हैं टीचिंग स्टाफ के लिए, ये सारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होंगे और ये स्कूल न्यू दिल्ली में है। तो हमारे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो है PGT फिजिकल एजुकेशन का। तो यहाँ पे इन्होंने PGT फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट इन्होंने जारी किया है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहला ये है कि मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट कंप्लीटेड एज रेगुलर कोर्स विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है विथ मिनिमम 55% मार्क्स, वो भी रेगुलर मोड में, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बैचलर ऑफ एजुकेशन स्टडीड एज रेगुलर कोर्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। ये BEd की डिग्री भी मांग रहे हैं, वो भी रेगुलर मोड से, जिसमें आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल। आप जिस सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज बिटवीन 21 to 50 ईयर्स होना चाहिए। 21 से 50 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। और ये फॉर द सेशन 24 एंड 25 के लिए है। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रिलेवेंट सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज CBSE स्कूल्स वुड बी डिज़ायरेबल। जो भी बच्चों के पास एक्सपीरियंस होगा CBSE स्कूल्स में पढ़ाने का, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा स्कूल के तरफ से। तो याद रखिएगा, आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फिज़िकल एजुकेशन में, BEd की डिग्री होनी चाहिए, आपने अगर पढ़ाई किया है फिज़िकल एजुकेशन अपने सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल में, और इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर नहीं भी होगा तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, शायद वो इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे आपके आपका एप्लीकेशन देख के, तो वो कंसिडर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आप इस फॉर्म्स को, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर कैसे पाएंगे। तो इस PDF में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप एक बार फॉर्म भरने से पहले भी ये डिटेल्स पूरा गो थ्रू कर लें ये PDF को। ये डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सेलेक्शन प्रोसीजर आर अवेलेबल ऑन द स्कूल वेबसाइट। स्कूल वेबसाइट पे जहाँ से हमने ये PDF डाउनलोड किया है वहीं पे इसी PDF में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। स्कूल वेबसाइट आपके पेज पर इस आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। प्रोसीजर जो है अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसी वेबसाइट से डाउनलोड होगा, वो इसी PDF में भी अटैच्ड है। हम लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म है कैसा वो भी देखेंगे, और या फिर आप स्कूल रिसेप्शन से भी आप ये फॉर्म जाके ले सकते हैं। आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सही से फिलअप करना है, और इसका एक एप्लीकेशन फ़ी भी आपको देना है सिर्फ 100 रुपये का, और 20 नवंबर से पहले सबमिट कर देना है। जो बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो पेमेंट करेंगे कैसे, यानी 100 रुपये का पेमेंट कैसे होगा? तो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट वाइज सब कुछ दिया हुआ है कि आपको 100 रुपये ट्रांसफ़र करना होगा टू द स्कूल बैंक अकाउंट नेम। आपको अकाउंट नेम जो दिया गया है वो नेवी चिल्ड्रन स्कूल का है, अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, IFSC कोड भी दिया हुआ है, और ब्रांच एक्सिस बैंक है और ब्रांच दरियागंज है न्यू दिल्ली का। तो सारी डिटेल्स दे दिए हैं, आप गूगल पे से या किसी भी ऑनलाइन मोड से आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये अमाउंट 100 रुपये का ये फ़ीस। और जब आप ये फ़ी पे कर देंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, वो आपको रिसिप्ट रखना है अपने पास। आपको अपना फिल्ड और साइंड एप्लीकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको स्कैन करना है, और स्कैन करके उसको ईमेल करना है सारे डिटेल्स के साथ, ये principal.ncsd@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको सारा डिटेल्स भेज देना अपने पेमेंट डिटेल्स के साथ 20 नवंबर 2023 तक। देन नेक्स्ट एक टेंटेटिव डेट ये जारी करेंगे जिसमें कॉमन एंट्रेंस
कॉमन रिटर्न टेस्ट होगा, जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका एक रिटर्न टेस्ट होगा 2 दिसंबर 2023 को। इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस के लिए आपको वो नोटिफाई करेंगे, चाहे वो टेलीफोन से हो या फिर ईमेल से, वो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे। आपको बस आपको सही से ये फॉर्म भर देना है और आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको एक कॉमन रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पीडीएफ में एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको अपने ही हैंडराइटिंग में भरना है, किसी से आपको फिलअप नहीं करवाना है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ डिटेल्स देंगे, अपना नाम, रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल्स ये मांग रहे हैं बेसिक डिटेल्स आपको देना है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना है। देन नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस, आप अगर इससे प्रीवियस किसी स्कूल में काम करते थे तो आपको उसका एक्सपीरियंस सारा डिटेल्स आपको देना है। देन नेक्स्ट अगर आप कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं तो उसका डिटेल्स देना है आपको। देन यहाँ पे चेकलिस्ट है, आपको सारे ये चेकलिस्ट कॉपीज जो है आपको अटैच करना होगा जब आप ऑनलाइन भेजेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी इन्होंने ढाले हुए हैं, व्हाई यू शुड कंसिडर योरसेल्फ सूटेबल फॉर दिस पोस्ट। आपको ये अपने वर्ड्स में लिखना है कि कैसे आप सूटेबल है इस पोस्ट में, आप जो अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, आप लायक कितने हैं इस पोस्ट के लिए। देन नेक्स्ट राइट पेन पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, आपको अपने बारे में 100 वर्ड्स में लिखना है। तो यही था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे आप नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 एंड 2025। हमने सारे डिटेल्स डिस्कस कर ली हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।